हेलो इज वेलकम टू मोटो मंत्रा, मंत्रा फॉर योर मोटो। और आज जिस मोटो की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है महिंद्रा XUV 500, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी है, जिसका BS6 वर्जन अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, तो आप इसे वहां जाकर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आज की इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन मंत्रा फॉर योर मोटो। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से। यदि फ्रंट प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प दिख रही होगी, यहाँ पे नॉर्मल हेडलैम्प है, हेलोजन हेडलैम्प है, और ये प्रोजेक्टर देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर DRLs आ जाती है, और ये एक तरीके की इसके आईब्रो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी निकल के आ जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं, और इस जगह पे क्रोम फिनिश का यूज़ हुआ हुआ है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, और इस जगह पर आपका फॉग लैम्प है। तो ओवरऑल जो इसका लुक आ रहा है हेडलैम्प का और फॉग लैम्प का, वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो क्रीज लाइंस है वो इसको अलग ही तरीके का लुक दे रही हैं, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, तो ऑल ओवर यहाँ का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल रहा है। यदि हम फ्रंट में यहाँ पे ग्रिल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्रोम फिनिश मिल रही है इस जगह पर, और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो है क्रोम फिनिश का यूज़ हुआ हुआ है। बाकी ये जो ग्रिल्स है यहाँ पर वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आती है, और बीच के अंदर यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे ग्रिल्स है, और ये ग्रिल्स भी आपको यहाँ पर ये जो रेडिएटर ग्रिल्स है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आ रही है। और यहाँ पर आप देखें यहाँ पे नंबर प्लेट आने वाली है, जहाँ पर XUV 500 की बैजिंग बनी हुई है, और यहाँ पर एक तरीके से आपकी लिप डिज़ाइन आ रही है। तो इतनी खास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइड से देखते हैं तो काफ़ी स्पोर्टी फील हमें दे देती है। वहीं हम यदि बोनेट की बात करें तो बोनेट पर आपको यहाँ पर क्रीज लाइंस दिख रही होंगी, जो कि आपको एरोडायनेमिक्स में काफ़ी मदद करने वाली है, जो कि कार के एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बनाई भी होती है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है इस जगह पर, और इसका सेंसर आपको मिडिल में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये रेन सेंसिंग वाइपर है। तो कुछ इस तरीके का ऑल ओवर इसका फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड लुक की। अब हम बात करते हैं इसके साइड लुक की। यदि स्टार्ट करें हम साइड लुक की, तो यहाँ पर आप क्रीज लाइंस देख रहे होंगे, जो कि जस्ट टायर्स के ऊपर है, जो कि इसको अलग ही लुक दे रही होती है, एक ब्रॉड लुक दे रही होती है, और इसके ऊपर ही आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल रही है। वहीं हम टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, बीच में महिंद्रा का लोगो। और वहीं हम यदि टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 235/60 की आपको टायर साइज मिल जाती है, और R18 के यहाँ पर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। अब थोड़ा हम साइड में चलते हैं, तो साइड में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिल रही है ऑल द वे पीछे तक, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपकी क्रीज लाइन आ रही है, जिसको थोड़ा एक स्पोर्टियर फील भी दे रही है साइड की तरफ से। ऊपर की तरफ से आपको ORVM मिल जाते हैं, और यदि हम ORVM की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑटो फोल्ड ORVM देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स है, और इन टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये LED टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको पेडल लैंप मिल जाते हैं, और ऑल ओवर कुछ इस तरीके से आपको ये ORVM देखने को मिल जाता है। यदि विंडोज़ पे देखें तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश का यूज़ हुआ हुआ है, और ऊपर की तरफ आपकी रूफ रेल्स हैं, जो कि सिल्वर कलर की फिनिश के साथ में आती है। यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल्स देख रहे हैं, आपके डोर हैंडल्स, तो यहाँ पर आपके रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं पैसेंजर साइड में भी और ड्राइवर साइड में भी। और वहीं पर यहाँ पर की भी दिख रही है, तो इस यहाँ से आप इस तरीके से खोल सकते हैं। इसका जो ये फील है वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ भी सेम ऐसे का ऐसा, और कुछ यहाँ पर ब्लैक कलर की फिनिश, और ऑल ओवर यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक आ जाता है। और यदि हम फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 70 लीटर टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे टायर कुछ इस तरीके से आ जाता है, टायर के ऊपर क्रीज है, जो कि काफ़ी इसको बम्पर लुक देती है, एक ब्रॉड लुक देती है। अब हमने इसके साइड प्रोफाइल की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं इसके रियल प्रोफाइल की। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। स्टार्ट करते हैं हम ऊपर की तरफ से, जहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, ऑब्वियस सी बात है। पीछे की तरफ आपको टेल लैम्प का सेट मिल रहा है, जहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छी आपको टेल लैम्प मिल जाती है। इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर W11 की बैजिंग आ जाती है, W11 का ये वेरियंट है। ऊपर की तरफ यहाँ पर XUV 500 की बैजिंग है, लोगो है, मतलब आपका यहाँ पर 3D लोगो आ जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पर देखें तो सेंसर्स हैं, 4 सेंसर्स हैं, और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक ब्लैक कलर की क्लैडिंग है या स्किड प्लेट बोल सकते हो, और नीचे की तरफ मफलर है, जो कि ड्यूल मफलर मिल जाते हैं, ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ में आपको मफलर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, और पीछे से काफ़ी इसको स्पोर्टेड लुक भी दे देते हैं। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर XUV 500 की बैजिंग, जहाँ पर आपकी नंबर प्लेट आने वाली है, और इस जगह पर आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पर क्रोम फिनिश, महिंद्रा का लोगो, वाइपर, और यहाँ पर आपका
डिफॉगर, लिव यंग लिंक फ्री जो महिंद्रा लगाता ही है अपना बेजिंग, इस जगह पर आपकी ब्रेक लाइट्स और यहाँ पर आपका स्पॉइलर आ जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके बूट की कि आपको बूट में किस तरीके के स्पेस मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का बूट मिल जाता है। और यदि हम बूट की बात करें तो ये आपको 7 सीटर गाड़ी देखने को मिलती है। और यदि हम इसको खोल लें तो यहाँ पे 50-50 आपको खुलने की मिल जाती है। इसको इस जगह से इस तरीके से खुल जाती है। और इसका जो बूट आ जाता है, यहाँ पे बूट कैपेसिटी की बात करें तो 700 लीटर के आसपास आपका इसके अंदर बूट कैपेसिटी मिल जाती है। इस जगह पर आपके सारे टूल्स आ जाते हैं। और यदि हम स्टेपनी की बात करें तो नीचे की तरफ आपकी स्टेपनी आती है, यहाँ पर इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है। और अब हम इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं, हमने बूट की बात कर ली है और अब हम इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि इंटीरियर आपको किस तरीके की दिखाई देता है। अब हम इसका डोर लॉक अनलॉक कर देते हैं जो कि आपको कीलेस ऑप्शन के साथ में आता है। यहाँ पर सेंसर मिल ही रहा है। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर डोर देखने को मिलता है। यदि हम डोर की बात करें इस जगह पर, तो डोर यहाँ पर आपको लेदर फिनिश के साथ में यहाँ पर आपका जहाँ पर आप हाथ रख सकते हो ड्राइविंग करते समय पर, यहाँ पर आपके विंडो कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपके ORVM कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस जगह पर आपकी ये डोर नॉब आ जाती है और इस डोर नॉब पर और इस जगह पर हैंडल पर आपको एक ग्रेस कलर की फिनिश मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी भी लग रही होती है। नीचे की तरफ एक लाइट है और यहाँ पर हम देखें ये जो स्पेस है, यहाँ पे बोतल आ जाती है और इतनी स्पेस है कि आप यहाँ पे फाइल भी रख सकते हैं। तो ऑल ओवर इसका जो डोर है वो काफ़ी सही हमें देखने को मिल जाता है। डोर पे यहाँ पे स्पीकर्स हैं और ट्विटर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, अंदर की तरफ आपको ट्विटर्स दिख जाएंगे। और अब हम बात करते हैं इसके सीट की कंफर्टेबिलिटी की। यदि हम सीट को देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। इस जगह से 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, यहाँ से एडजस्ट हो जाती हैं आपकी सारी की सारी सीट्स। और अब हम बात कर लेते हैं कि डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या दिखाई देता है। एक्साइड साइड से बात करें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। इस जगह पर आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स आ जाते हैं जहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस एक बटन से ही आप अपना जो फ्यूल कैप है, जो आपका फ्यूल टैंक है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस जगह पर आपकी जो स्पीडोमीटर आता है, आपका जो MID आती है, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो आपका बोनट है उसको खोलने का यहाँ पर स्विच बटन आ जाता है। इस जगह पर कंट्रोल आ जाता है और कुछ इस तरीके से आपको पूरा इस जगह पर डैशबोर्ड मिलता है। और वहीं आप स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ में स्टेयरिंग मिल जाती है। अच्छी स्टेयरिंग है जिसके ऊपर आपको यहाँ पर सिल्वर कलर की फिनिश है जो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और वहीं हम इसके ऊपर माउंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके जो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपके क्रूज कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपके वॉइस कमांड के कंट्रोल आ जाते हैं। और इस जगह पर देखें तो यहाँ पर आपके म्यूजिक के कंट्रोल आ जाते हैं और इस जगह पर आपके जो कॉलिंग के कंट्रोल्स हैं वो इस जगह पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखें यहाँ पर आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं इस जगह पर। और इस जगह पर हम देखें तो आपके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं। और अब हम यदि सामने की तरफ देखें MID, तो ये काफ़ी क्लासिक MID देखने को मिलती है। यदि MID देखें तो यहाँ पर आपका जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग आता है। और बीच की तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर डिजिटल इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो आपकी फ्यूल गेज आ रहा है, इस जगह पर आपकी गियर पोजिशन आ रही है, आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रही है। और यहाँ पर इस तरह से देखें तो यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है और टैकोमीटर के अलावा यहाँ पर आप देखिए तो टेम्परेचर मिल जाता है आपके इंजन का। ये पूरी MID है वो काफ़ी आपको क्लासिक देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस भी है, जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे आपके रिजर्व का इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ पर आपके सीट बेल्ट का इंडिकेशन है और यहाँ पर आपका जो डोर ओपन है तो उसका इंडिकेशन है। इस जगह पर आपका चेक सर्विस ऑयल का इंडिकेशन, बैटरी इंडिकेशन, हैंड ब्रेक इंडिकेशन और यहाँ पर आपका चेक इंजन इंडिकेशन। तो ऑल इसके MID काफ़ी क्लासिक और अच्छी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही जाती है। और वहीं हम डैशबोर्ड की तरफ देखें तो डैशबोर्ड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो कि लेदर रैप्ड है और ये काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड और प्रीमियम डैशबोर्ड देखने को मिलता है। डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर इस जगह पर स्टोरेज मिल जाती है जहाँ पर आप टिकट विकेट रख सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम डैशबोर्ड पर देखें तो यहाँ पर भी स्टोरेज है इस जगह पर कुछ इस तरीके की। और उस जगह पर आपके AC वेंट्स आ गए, नीचे की तरफ आपकी यहाँ पर स्टोरेज आ गई। और ऊपर की तरफ हम देखें तो आपके यहाँ पर IRVM है, ऑटोडिम IRVM, यहाँ पर आपकी सनग्लासेस आ गए, यहाँ पर सनग्लासेस होल्डर है इस जगह पर। और ऊपर की और यहाँ पे हम देखें यहाँ पर एक एम्बियंट लाइट है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इस जगह से आपकी जो सनरूफ है वो खुलने वाली है, नॉर्मल सनरूफ है, एक वन टच के अंदर खुल जाती है। एक बार देख लीजिए इसको कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अब कुछ इस तरीके से आपको सनरूफ खुलने को मिल जाती है। अब यदि हम इसको बंद करते हैं तो एक टच में बंद होने वाली है, लेकिन जो इसका ये जो कवर है ये आपको मैन्युअली बंद करना पड़ेगा।
और वहीं हम यहाँ पर देखें तो आपके वाइजर्स हैं, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है, इस जगह पे वाइजर है जहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। आगे की तरफ आपको ड्यूल एयरबैग मिल जाते हैं, कर्टन साइड में आपको एयरबैग मिल जाते हैं और ऑल ओवर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंटीरियर मिलता है। और अब हम बात कर लेते हैं टच स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको अराउंड 7 इंच की यहाँ पर टच स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अभी तो रेडियो ऑन है तो इस जगह पर रेडियो चल रहा होगा। और वहीं हम बात करें बटन्स की यहाँ पे और क्या क्या मिलता है तो होम पर चलते हैं, यहाँ पर आपको मीडिया मिल जाता है, फ़ोन मिल जाते हैं जहाँ से आप कंट्रोल करने वाले। जो टच की क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी काम चलाऊ मिल जाती है। इको सेंस है जहाँ से आप अपने टायर मॉनिटरिंग सिस्टम निकाल सकते हैं, जहाँ पर आपका टायर प्रेशर भी आ जाता है। एंड्रॉयड ऑटो के साथ में आता है, एप्पल कार प्ले आ जाता है इस जगह पर, और इस जगह पर नेविगेशन आ जाता है, कार इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ई मैनुअल्स आ जाती है, और यहाँ पर ऐप्स हैं, 9 ऐप्स आराम से यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर जोमेटो और अलग अलग तरीके की ऐप्स आ जाती है, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर आप देखें तो आपका टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है, इस जगह पे फैन डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर आपके नेटवर्क्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाता है, टाइम डिस्प्ले हो जाता है। नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर आपके कंट्रोल्स हैं रिलेटेड टू, आप देख पा रहे हैं तो आपके यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक कंट्रोल्स हैं, इस जगह पे म्यूजिक कंट्रोल है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपके कंट्रोल्स आ जाते हैं, वही आपके जो आपकी स्क्रीन है टच स्क्रीन उसके यहाँ पर कंट्रोल आ जाते हैं, जहाँ से आप बटन से भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपकी ऑटोमेटिक एसी आ जाती है इस जगह पर। और नीचे की तरफ हम देखें यहाँ पर आपका हजार्ड लैंप का इंडिकेशन आ जाता है, यहाँ पर आपको हील असिस्ट के साथ में ये गाड़ी मिल जाती है, ESP कंट्रोल्स है जो कि आपको हाईवे में काफ़ी स्टेबिलिटी में मदद करने वाला है। नीचे की तरफ हम यहाँ पर देखें तो आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है, और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आप देखें तो आपका जो चार्जर है वो इस जगह पर मिलता है, जहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज है। यहाँ पर आप 6 इंची वाला मोबाइल तो नहीं रख सकते हैं लेकिन स्टोरेज ठीक ठाक मिल जाती है। इस जगह पर आपका USB आ जाता है। और इस जगह पर हम बात करें तो आपका गियर लेवर आ जाता है, गियर लेवर पर आपको डुअल टोन टाइप का फिनिश है, और ये आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी देखने को मिलती है। इस जगह पर आपका नॉर्मल कप होल्डर है, इस जगह पर आपके हैंड ब्रेक्स हैं, और हैंड ब्रेक थोड़ा टेढ़ा है। अब इसकी डिज़ाइन है कुछ अलग ही तरीके की है। और वही हम स्टोरेज की बात करें तो इस गाड़ी में काफ़ी स्टोरेज भी यूज़ किया गया है। इस जगह पर आप देखें तो यहाँ पर स्टोरेज है, और ये छोटा सा स्टोरेज लग रहा होगा लेकिन उसके बाद में भी स्टोरेज खुल जाता है, इतना खुल जाता है, और ये आपको कूल्ड स्टोरेज मिल जाता है इस जगह पर, ये वाला पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको यदि आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपकी जो सीट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। हमने इसकी बात कर ही ली है, चाबी की कुछ इस तरीके की चाबी दिखती है, जहाँ पर लॉक बूट ओपन और अनलॉक बटन मिल जाते हैं, 3 बटन मिलते हैं। उस जगह पर आपका स्पीकर्स आ जाते हैं, और ऑल ओवर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंटीरियर मिल जाता है। अब हम पीछे वाली सीट पर चलते हैं, किस तरीके की कंफर्टेबिलिटी मिलती है। यदि हम पीछे वाली सीट पर आए तो यहाँ पर आपको डोर पर यहाँ पर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर भी लेदर फिनिशिंग मिल जाती है, इस जगह पर बोतल होल्डर मिल जाता है, और इस जगह पर फाइल भी रख सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम सीट देखें तो कुछ इस तरीके की सीट है, बीच की तरफ आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है इस जगह पर, जहाँ पर कप होल्डर आ जाता है, और ये 40-60 की रेशियो में आपकी ये सीट्स फोल्ड होती हैं, ये 60-40 जो भी आप बोलो। और इसके अलावा हम देखें तो कुछ इस तरीके से आप पुल ओवर यहाँ से फोल्ड होने का ऑप्शन भी मिल जाता है, दोनों सीट्स फोल्ड होती हैं। पीछे की तरफ हम देखें तो 2 सीट्स मिल जाती हैं, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर AC वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं इस जगह पर, जहाँ पर इसके कंट्रोल्स भी हैं, ऑन ऑफ के कंट्रोल्स नहीं है लेकिन इसको कंट्रोल करने के यहाँ पर थोड़े कंट्रोल्स आ जाते हैं इस जगह पर। और ऑल ओवर कुछ इस तरीके से आपको पीछे की जो सीट्स हैं वो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की, और इसके अलावा यदि हम कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग के साथ में मिल जाती है, ना सिर्फ आगे पीछे की तरफ भी। यदि हम बात करें लेग रूम और नी रूम की तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेग रूम मिल जाती है, नी रूम भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ऑल ओवर इसका जो पूरा यदि हम बात करें कंफर्टेबिलिटी की तो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है। और वहीं यदि हम हेड स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी हेड स्पेस भी मिल जाती है, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे लाइट्स भी मिल जाती है इस जगह पर, और इस जगह पर आप रीडिंग लाइट्स जो भी बोलें पढ़ने के लिए, इस जगह पर आपके हैंडल्स, और ऑल ओवर कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की, माइलेज की और प्राइस की। अब हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसके बोनट को खोल लेते हैं इस जगह पर।
और कुछ इस तरीके से आपको उसका बोनट मिलता है। काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, इंसुलेशन का यूज़ किया हुआ है। और वहीं यदि हम इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं हम यदि इसके पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे जो पावर फिगर्स है उसके हिसाब से 153 bhp की आपकी पावर प्रोड्यूस कर देता है। उसके अलावा यदि हम बात करें टॉर्क फिगर की तो 360 न्यूटन मीटर का इससे आपको टॉर्क मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको काफ़ी अच्छा इंजन देखने को मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की और माइलेज की। यदि हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करते हैं तो जो क्लेम्ड माइलेज बताया गया है कंपनी के द्वारा वो 17 km/h का बताया गया है। और वहीं यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 19 लाख की है। तो ऑल ओवर कुछ इस तरीके से आपको ये पूरी गाड़ी देखने को मिल जाती है। कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे और ऐसे कार और बाइक्स के रिव्यूज़ आपको ऐसे ही देखने को मिल सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुखिल विद सुरेश, पीस आउट।